Hello students, I am Franika ma'am. Today we are going to discuss class 12th economics, very important chapter, determination of income and employment. तो क्लास आज हम जो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के न्यूमेरिकल कर रहे हैं. तो हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. और बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आई थी कि मैम आप इसके न्यूमेरिकल कराइए. जब भी मैं इसकी ये वीडियो लेके आई हूँ तो इसमें आपको बेसिकली कुछ फॉर्मूलों को बड़े ध्यान से समझना होता है. तो पहले हम फॉर्मूले समझेंगे, देन वी विल डू अ न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर. क्लियर है क्लास? तो स्टार्ट करते हैं. जो आपको इसमें फॉर्मूला चाहिए होता है, सबसे पहले अगर आप इनकम की बात करें तो इस चैप्टर में हम हमेशा इनकम को Y से डिनोट करेंगे और ये किसके बराबर होगी? एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी. अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये जो इनकम है इसे हम Y से डिनोट करेंगे और ये किसके बराबर होती है? एग्रीगेट सप्लाई. मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि इसको हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई. क्लियर हुआ क्लास? सेकेंड फार्मूला जो आपको इसमें याद रखना है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला याद रखना है. एडी मानी होता है एग्रीगेट डिमांड. और एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई. सी इज नथिंग बट कंजम्पशन. And I is investment. Clear है class? तो आपको income जो होता है इसे हम economics में Y से denote करते हैं और Y किसके, Y ही क्या है? Aggregate supply है. ऐसे ही हम aggregate demand लेंगे तो aggregate demand जो आपके 12th तक का syllabus है उसमें होता है C plus I. अब आपको दो इक्विलिब्रियम कंडीशन याद रखनी है इस चैप्टर की. इस चैप्टर में आपको दो इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में पढ़ना है. तो पहली इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है आपकी वो है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. और अभी मैंने आपको बताया कि एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होता है? सी प्लस आई. और एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होता है? वाई के बराबर. तो ये भी एक फॉर्मूला इससे निकलता है, सी प्लस आई इज इक्वल टू वाई. क्लियर है क्लास? नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन जो आपको निकालनी है, दैट इज सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. तो इसकी नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है, दैट इज सेविंग किसके बराबर होनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट के बराबर होनी चाहिए. क्लियर हुआ? एंड दीज आर जो सेविंग और एग्री सेविंग और जो इन्वेस्टमेंट है, दीज आर प्लान्ड सेविंग एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट. ऐसी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड एग्जांटे बोल लीजिए जिसे आप. एग्जांटे सेविंग किसके बराबर होनी चाहिए? एग्जांटे इन्वेस्टमेंट के बराबर होनी चाहिए. एग्जांटे माने प्लान्ड. क्लियर हुआ? प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट. क्लियर हुआ? आई बात समझ में? आप ध्यान से समझ सकते हैं जो मैंने समझाया है. इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं और वाई को ही हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं. एक क्लास यहां पर एक फॉर्मूला और मेंशन करवाऊंगी मैं, उसे बड़े ध्यान से समझिएगा. एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई. C air is consumption, I is investment. Next equilibrium condition है आपके इस chapter से related. दो aggregate demand aggregate supply के बराबर होती है और second जो equilibrium condition है वो saving investment के बराबर होती है. और that saving is planned saving and planned investment, जिसे आप ex-ante saving भी कहते हैं और ex-ante investment भी कहते हैं. हो सकता है class paper में पूछा जा सकता है, what is ex-ante saving and what is ex-ante investment. clear हुआ class? तो अब हम आगे देखते हैं.
इसके बाद अभी अभी रिसेंटली मैंने आपको एक इक्विलिब्रियम कंडीशन बताई है कि एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है, यही बताया ना मैंने आपको। और एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई, और एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होता है, वाई के बराबर होता है। अब सी प्लस आई इज इक्वल टू, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है हमेशा इस चैप्टर में, जो हमारी इनकम होती है जिसे हम वाई से डिनोट करते हैं, इनकम को हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं, या तो हम उस इनकम को खर्च करेंगे कंज्यूम करेंगे, या हम उस इनकम को सेव करेंगे। कुछ तो हम उसमें कंज्यूम करेंगे और बचा हुआ पार्ट हम क्या करेंगे, उसका सेव करेंगे। तो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब मैं ये इक्वेशन को इसमें डाल रही हूँ, तो देखिए क्लास सी से सी कट गया, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई आपकी। तो क्लास दो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, फर्स्ट इज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, एंड द सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन इज सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, एंड दैट इज दैट सेविंग इज प्लान्ड या एग्जांटे सेविंग इज इक्वल टू एग्जांटे इन्वेस्टमेंट। क्लियर हुआ? अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला करेंगे क्लास। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है एपीसी, जिसे आप क्या बोलते हो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसका फॉर्मूला होता है कंजम्पशन अपॉन में इनकम। क्लियर हुआ क्लास? नेक्स्ट फॉर्मूला ऐसे ही होता है एपीएस, जिसे आप बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और इसका फॉर्मूला होता है एस अपॉन में वाई, सेविंग अपॉन में इनकम। और आपको एक और फॉर्मूला बताती हूँ, एपीसी प्लस एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू वन के बराबर होता है। इस पे भी क्वेश्चन आता है। क्लियर हो गया क्लास? नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला जो आप लोगों का है, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे हम एमपीसी बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम। जिसे आप चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई से भी डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया क्लास? ऐसे ही होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम, जिसे हम चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम से भी डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया क्लास? इसमें भी एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू वन होता है।
MPC plus MPS is equal to 1. क्लियर हुआ? नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए. अभी मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है, ठीक है. तो उसमें मैंने आपको एक टर्म बताई थी कंजम्पशन, इसे हम बोलते हैं टोटल कंजम्पशन. बहुत ध्यान से समझिएगा क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब टोटल कंजम्पशन जो होती है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, दैट इज सी बार प्लस बी वाई. हेयर सी बार इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन. और ये आपको पता होगा जब आपकी इनकम जीरो होती है, हम जीने के लिए कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं. जब हमारी इनकम भी जीरो होती है ना, हम कुछ नहीं कमाते जीने के लिए. तो जब भी इंसान कुछ ना कुछ कमा खाएगा ना, दैट इज सी बार इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन. क्लियर हुआ? और हेयर बी इज एम पी सी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. और हेयर बी वाई, इस बी वाई को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन. क्लियर हो गया क्लास? अब ऐसी सेविंग की इक्वेशन इससे बनती है. सेविंग की इक्वेशन में आप क्या करिए, ये जो सी बार है ना, इसमें माइनस सी बार आ जाता है. और मैं इसका कारण भी बता देती हूँ आपको ऐसा क्यों होता है. ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होती है, जब हमारी इनकम जीरो होती है, हम जीने के लिए कुछ ना कुछ खाते हैं. अब वो खाया हुआ जो आप सामान ला रहे हो, जिस पैसों से ला रहे हो, या तो वो आप बैंक में पड़े हुए अपनी सेविंग को निकाल रहे हो, तो इससे सेविंग क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है. दैट्स वाई इधर माइनस का साइन आता है. और एक और कारण है कि आप किसी से उधारी पर पैसा ले रहे हो, उधारी पर भी क्या लेते हो, पैसा ले रहे हो, तो आपकी जो सेविंग है वो क्या आ रही है, नेगेटिव में जा रही है, क्योंकि आपको चुकानी पड़ेगी. क्लियर हुआ? तो इसलिए हम लगाते हैं माइनस सी बार प्लस. अब यहाँ पे बी नहीं आता, वन माइनस बी वाई आता. हेयर वन माइनस बी इज एम पी एस, वन माइनस बी इज एम पी एस. और मैं आपको ये प्रूफ भी करके दिखाती हूँ. देखिए वन माइनस बी आया कैसे. आपको एक फॉर्मूला याद कर होगा, मैंने अभी लिखवाया, एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू वन होता है. मान लीजिए पुट एम पी सी इज इक्वल टू बी, आई एम टेकिंग एम पी सी एज अ बी. तो बी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू वन. तो अगर मैं एम पी एस की वैल्यू निकालूंगी तो ये कितना आ जाएगा, वन. ये बी इधर जाके क्या हो जाएगा, वन माइनस बी. तो देखिए मैंने निकालना भी सिखाया आपको कि वन माइनस बी एग्जैक्ट में आया कहाँ से. तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड फॉर्मूले हैं. इसमें अभी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का टॉपिक नहीं लिया है मैंने, न्यूमेरिकल का, वो मैं आगे की क्लास में आपको सिखाऊंगी. दैट इज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर न्यूमेरिकल. क्लियर हुआ? तो ये इस न्यूमेरिकल के फॉर्मूले हैं. और अगर आपको ये फॉर्मूले आते हैं तो आपके लिए चैप्टर बहुत आसान है. क्लियर हो गया क्लास? तो अब देखते हैं हम एक क्वेश्चन करेंगे. देखिए इसमें आपको ये एक एग्जाम्पल नंबर वन दे रखा है. ये बुक मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे पास कौन सी बुक है. दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपको नाम भी नज़र आ रहा होगा. दैट इज संदीप गर्ग. तो मैं संदीप गर्ग के डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के सॉल्व न्यूमेरिकल ले रही हूँ. तो इसमें जस्ट एग्जाम्पल नंबर वन है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर वन में क्या कह रहा है वो. तो हमें क्या क्या दे रखा है, कैलकुलेट एपीसी एंड एपीएस. तो आपको क्या निकालना है, एपीसी निकालना है और एपीएस निकालना है आपको. क्लियर है? और आपको क्या क्या गिवन है, इनकम गिवन है. इनकम दे रखी है आपको 100, 200,
और 300, और आपको कंजम्पशन दे रखी है 80, 120 एंड 180। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एपीसी। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में वाई। तो हम कैसे निकालेंगे, 80 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, देन 120 डिवाइडेड बाय 200, देन 180 डिवाइडेड बाय 300। तो अगर आप 80 को 100 से डिवाइड करोगे तो मैं इसे 0.8 लिख सकती हूँ। नेक्स्ट 120 डिवाइडेड बाय 200, तो ये आया मेरा 0.6। देन 180 डिवाइडेड बाय 300, ये भी आया 0.6। आ गया क्लास एपीसी। अब इसके बाद क्लास मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था, अगर आपको याद हो, एपीसी प्लस एपीएस किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, अगर आपको याद हो तो। अब मुझे एपीएस निकालना है तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकती हूँ, 1 माइनस ये वाला एपीसी इधर चला गया तो 1 में से एपीसी को घटा दूं तो मेरा एपीएस आ जाएगा। एपीएस का फॉर्मूला क्या लगा दूं मैं, 1 माइनस एपीसी। तो 1 में से अगर 0.8 गया तो 0.2, नेक्स्ट 1 माइनस 0.6 तो कितना हो गया 0.4, तो 1 माइनस 0.6 दैट इज 0.4। क्लियर हो गया क्लास, दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 1, वेरी सिंपल। इन्होंने अपने तरीके से कर रखा है, आप मेरे मेथड से भी करिए, जो मैंने आपको फॉर्मूले सिखाए आंसर विल बी डेफिनेटली मैच। क्लियर हो गया क्लास, ओके।